हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं हूं अमित और आज हम इस वीडियो की बात करने वाले हैं जो कि मैंने 2-3 दिन पहले देखी थी टिकटॉक पे। तो आज मैं इसका ट्यूटोरियल ला रहा हूं क्योंकि इसमें स्टेटस भी बना सकते हैं आप और नेम आर्ट भी वीडियो बना सकते हैं टिकटॉक में। इस तरह की वीडियो कैसे बनेगी इसी को हम आज जानेंगे इस वीडियो में, जो कि लोगों को बहुत ही पसंद आता है कि स्टेटस वीडियो रहता है, वो भी लोग बहुत पसंद करते हैं। साथ में जो नेम आर्ट किसी का नाम लिख देते हैं वो तो लोगों को बहुत पसंद आता है, लिखने लगते हैं कि भाई मेरे भी नाम बना दो। तो इस तरह से वीडियो ज़्यादा वायरल होती है। तो ये बिल्कुल ही नया तरीका है और कैसे बनेगी इसी को मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आपको एक बात बता दूँ कि अभी तक आपने टिकटॉक पे वीडियो अपलोड कर करके थक गए हैं, पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो आपको एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, बेस्ट अर्निंग है, उसे डाउनलोड कर लेंगे और जो भी टिकटॉक वीडियो आप अपलोड करते हो गैलरी में चले जाते हैं। अगर आप उस पर अपलोड करते हैं और आईडी बनाकर अपलोड कर देते हैं तो उसके जितने भी व्यूज होंगे उसके हिसाब से आपको उस पर पैसे मिलेंगे। तो उस तरह से आप उस पर पैसे कमा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर चेक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर कुछ वीडियो में समझ में ना आए, कुछ पूछना हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक और की बात कि अगर आपको कुछ अलग से पूछना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ सुझाव देना हो तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, वहाँ पे भी जाकर मुझे सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। तो दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हम नेम आर्ट वाली वीडियो की बात कर लेते हैं कि कैसे बनाएंगे, तो बाद में स्टेटस वाली वीडियो को हम बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पिक्सेल ऐप को ओपन करना है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से भी इसे रीडायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा, आपको कैंसिल करना पड़ेगा और यहाँ से इसका टेक्स्ट को डिलीट कर देना पड़ेगा। इतना करने के बाद यहाँ पर डबल लेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप करना है और ट्रांसपेरेंट पे टैप कर देना है, जिससे कि आपको ये इस प्रकार से दिखने लगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप करना है और टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद एडिट पे जाना है और यहाँ से इसको क्लियर करना है और जो भी लिख रहा है वो लिख सकते हैं यहाँ से। तो हम ए लिख देते हैं और इसको डिजाइन देने के लिए कुछ अलग तरह का लिखे हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ से हम ए लिख के ओके करते हैं। यहाँ से टच नहीं होगा तो बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम साइज से जाकर बड़ा ऐसे कर लेते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं। इस प्रकार से रखने के बाद इसको टिक करते हैं और इसका कलर यहाँ से चेंज करके रेड कर देते हैं, इसको टिक करते हैं। अब यहाँ से नीचे यहाँ पे बगल में फॉन्ट आ रहा है, फॉन्ट पे टाइप करना है। बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं। तो मैंने जो वीडियो में लगाया था कुछ इस प्रकार से था। इसे लगाने के बाद यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसे हम थोड़ा इधर नीचे ला लेते हैं और इसको क्या करते हैं बोल्ड कर देते हैं। इस प्रकार से बोल्ड करने के बाद इस प्रकार से दिखने लगेगा। अब इसको हम टिक करते हैं। फिर दूसरा टेक्स्ट आगे का लिखना है तो यहाँ से टेक्स्ट में जाना है और फिर से एडिट करना है और जो बच गया वो लेटर हमें सेलेक्ट करना है। तो मीत अमित का मीत बच गया, इतना हम यहाँ से लिखते हैं। फिर से इसको साइज पे जाके ऐसे यहाँ पे रख देते हैं। इसे छोटा करना है कर सकते हैं, नहीं करना है छोड़ सकते हैं। इसका अब कलर हमने यहाँ पर चेंज किया था, कैसे कलर में जाना है और ग्रेडियंट में जाना है। और यहाँ पे आपको कलर नहीं लगाना आता, या तो मैंने पहले से ये बना रखा है तो इसलिए ऐसा आ रहा है, और नहीं तो आप बना सकते हैं प्लस पे टैप करके, इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। मैंने बना कर रखा था इस प्रकार से दिखने के लिए, तो ऐसे कर लिया और इसको टिक करते हैं। इसे मैंने क्या किया था, यहाँ से फॉन्ट बदल के यहाँ से आपको नीचे जाना है और आपको फॉन्ट मिलेंगे इस तरह से। तो कैप्चर इट को लगाया था और इसको ओके किया था, ये तो ऊपर चला गया। इसे इतना करने के बाद छोटा थोड़ा सा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया तो हम थोड़ा सा छोटा इसे कर लेते हैं और जो अच्छा लगे देखने में तो कुछ इस प्रकार से, और इसको टिक करते हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ से फॉन्ट और हो गया सब चीज़, तो यहाँ पे स्ट्रोक लगा देना है जो कि इस प्रकार से आपको बहुत ही अच्छा देखने को लग सकता है। तो ऐसे करने के बाद इसको टिक करते हैं और यहाँ से इम्बॉस इसको ऑन कर देना है और इसको थोड़ा सा इस प्रकार से रखिएगा जो बहुत ही अच्छा लगे। और इसको इतना करने के बाद आपको इसको भी करना है तो कर सकते हैं इम्बॉस, नहीं तो इम्बॉस करने से आपको लाइटनिंग ज़्यादा मिलेगी। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बीच में आना है और स्टिकर का ऑप्शन मिला है, इस पर जाना है और इधर स्लाइड करना है थोड़ा सा, इसको इस प्रकार से लगा देना है। और इसको इस प्रकार से लगाने के बाद अब इसको टिक करना है, इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। कलर में जाके इनेबल कर दीजिए और यहाँ से ग्रेडियंट में कलर, चाहे जैसे भी कलर लगाना है ऐसे लगा सकते हैं। इसको ओके कीजिए और यहाँ से इसको इधर स्लाइड करना है और इम्बॉस इसको भी कर देना है जो कि बहुत ही अच्छा देखने को लगेगा। कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा नेम। उसके बाद इसको यहाँ पे टैप करना है और सेव एज इमेज कर लेना है। तो पहले मैंने बना रखा है तो सेव एज इमेज,
नहीं करूँगा, आप सेव एज इमेज कर लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, काइन मास्टर ऐप में चलना है। तो चलिए काइन मास्टर ऐप में चलते हैं। तो दोस्तों हम काइन मास्टर ऐप में आ गए हैं। अब हमें करना क्या है उसको ध्यान से देखते रहिएगा। प्लस पे टैप करना है और 16:9 रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आएगा इंटरफेस, मीडिया में जाना है और जो अभी आपने पिक्सेल ऐप से फोटो बनाई उसे सिलेक्ट करना है। तो जो मेरा फोटो है इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ पे तो जूम आउट और जूम इन हो रहा है इस प्रकार से। तो इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे 15 सेकेंड तक, जो कि मेरा वीडियो साइज है और टिकटॉक के लिए ठीक रहता है 15 सेकेंड। तो हम 15 सेकेंड रख लेते हैं। अब इसे शुरू में आना है और क्रॉपिंग का ऑप्शन है, इस पर जाना है, इसको इक्वल कर देना है। इसको छोटा करके आपको इस प्रकार से रखना है, इतना ही छोटा रखिएगा, ज़्यादा नहीं रखिएगा, इतना पे रख सकते हैं और इसको टिक करना है। इतना रख लिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ से लेयर में जाना है और मीडिया में जाना है। आपको यहाँ पे पहले, इससे पहले क्या करना है, लेयर में जाना है, एफएक्स पे जाना है और मिराज आप में नहीं होगा तो यहाँ पे गेट मोर है इस पर टैप कीजिएगा, मिराज सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके करके यहाँ से ऐसे खींच कर इसे पूरा कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कुछ इफेक्ट इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जो आपको टेक्स्ट लिखा हुआ वो लगेगा कि कुछ उस पर से चल रहा है, तो ऐसे में बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अब हमें करना क्या है, एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा। लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और उस वीडियो को डाउनलोड जो किया है उसे सिलेक्ट करना है। तो जो मेरा डाउनलोड फाइल है वहाँ से जाते हैं और उस वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो है, इसे सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। अब इसे क्या करना है, धीरे धीरे ऐसे चलाना है और आपको देखना है कि कहाँ से वीडियो स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक कभी यहाँ से चालू होने वाला है। तो इसे क्या करते हैं, सीजर पे जाना है और ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेट कर देना है। इतना करने के बाद इस पर टैप करके रखना है, वाइब्रेट होगा, इसे ऐसे खींच लेना है और फिर से इस पर टैप करना है और इसको फुल स्क्रीन इस प्रकार से कर लेना है और थोड़ा आगे बढ़ाना है जहाँ से ग्रीन स्क्रीन चालू होता है, ऐसे चालू हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रोमा की में जाना है और इसको इनेबल करना है। अभी तो गायब नहीं हुआ, तो की कलर में जाना है और इसको हरा रंग सेलेक्ट करके इस प्रकार से कर लेना है। तो यहाँ पे गायब हो गया, तो आपको अब सही से मिल नहीं रहा है। तो इसे मिलाएंगे कैसे, तो यहाँ से क्या करना है, इसको टिक करना है, आपको देख लेना कि मेरा सही से आ रहा है या नहीं। तो नेम आर्ट ऊपर हो गया और ये तो बुक नीचे ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए इसको टैप करना है ऊपर वाले को और क्रॉप पे जाना है। अब इसको थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर लेंगे, एकदम बीच में रख लेंगे, जो कि आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे शुरू में भी आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इसे हम फिर से क्रोमा की में जाएंगे और क्रोमा की को ओपन करने के बाद इसे अच्छे तरह से मिला लेंगे, कि क्रोमा की में जाके इस प्रकार से मिलाएंगे और अब को हम दिखाते हैं इस प्रकार से देखने को लगेगा। तो इस तरह से आप वीडियो इसको बना सकते हैं। और ये तो हो गए नेम आर्ट, लेकिन आप स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने ये नेम आर्ट लगाई उसके लिए सबसे पहले आपको स्टेटस बनाना पड़ेगा। और स्टेटस बनाने के बाद यहाँ पे जैसे नेम आर्ट ये सिलेक्ट है, इसके जगह पे आपको उस वीडियो को लगाना पड़ेगा और उस वीडियो को लगाने के बाद इसे आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यूज किया। तो इस तरह से वो भी स्टेटस वाली वीडियो बन सकती है। तो आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।